नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज मोदी सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इन 7 सालों का सफर इतना आसान नहीं था जितना लगता है। सत्ता में एक बड़े अंक के साथ जीत कराना, जनता में अपना विश्वास बनाए रखना बहुत मेहनत लगती है साहब। और अगर मोदी सरकार के 7 सालों को देखें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इन 7 सालों में पहली बार हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किलों में घिरते हुए से नजर आ रहे हैं। सुबह से अब तक की बात करें तो शायद ऐसा पहली बार है जब सरकार की ओर से इस खास मौके पर किसी विशेष आयोजन का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अगर बात की जाए 7 सालों में सरकार के बड़े फैसलों की, तो इनमें ऐसे फैसले भी शामिल है जो आजादी के बाद बदले गए। तो सरकार के 7 साल पूरे होने पर आइए जानते हैं उन फैसलों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि हर भारतीय पर असर डाला और हर फैसले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 8 नवंबर 2016 फैसला नोटबंदी। 8 नवंबर ये वो दिन था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और जनता के नाम संबोधन दिया। इस फैसले ने रातों रात लोगों में खलबली मचा दी और उस रात शायद से ही किसी व्यक्ति को नींद आई हो। पीएम मोदी ने टीवी पर आकर कहा कि आज रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बेकार हो जाएंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के फैसले से एक ही झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। बैंकों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हो सकते थे, सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इसे हासिल करने पूरा देश ही एटीएम की लाइन में लग गया। नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट चल रहे थे, यानी रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आया। पीएम के इस फैसले से आम जनता पर बेहद असर पड़ा। इससे अच्छा ये हुआ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ, लेकिन जो गलत हुआ वो इस तरह कि प्रधानमंत्री ने काला धन, आतंकवाद, जाली नोट के खिलाफ इसे बड़ा हथियार बताया, पर काला धन भी सफेद हो गया। स्विस बैंकों में नोटबंदी के बाद भारतीयों का पैसा 50% तक बढ़ गया। आतंकवाद, नक्सलवाद और जाली नोट के खिलाफ भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 28 सितंबर 2016 और 26 फरवरी 2019 सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। देश की ताकत के लिहाज से मोदी सरकार ने ये दो बड़े फैसले लिए जिसके बाद विश्व भर के देश टकटकी लगाकर भारत की तरफ देख रहे थे और भारत की तरफ आंख उठाने वाले कांप रहे थे। दरअसल आजादी के बाद पहली बार भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया और आतंक का पर्याय बने पाकिस्तान को धूल चटा दी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। भारत का आतंकवाद से निपटने को लेकर नजरिया बदला, जिसका फायदा कुछ दिन बाद हुए लोकसभा चुनाव। यहां 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं। इससे मोदी सरकार को बहुत फायदा हुआ। मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापस लौटी। आजादी के बाद 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघी थी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर स्ट्राइक के वक्त पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकियों को सबक सिखाया, उरी और बालाकोट में स्ट्राइक किया। इस फैसले से भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर छवि मजबूत हुई और हर एक भारतीय ने ये महसूस किया कि भारत अपने दुश्मनों को कहीं भी जाकर खत्म कर सकता है। लेकिन जो गलत हुआ वो ये था कि एयर स्ट्राइक के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट नियंत्रण रेखा को पार करके भारतीय सीमा में घुस आए और बमबारी की। इस दौरान भारत का MiG-21 पाकिस्तानी सीमा में गिर गया और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें 2 दिन बाद पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से दबाव बना लिया था। 1 जुलाई 2017 फैसला, एक देश एक टैक्स। पहले क्या होता था कि हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलता था, लेकिन अब सिर्फ GST वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्य को। वसूली केंद्र सरकार करती है, बाद में राज्य को पैसा लौटाती है। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में सबसे पहले पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला किया, लेकिन मामला अटका रहा।
मार्च 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए, पर राज्यों के विरोध की वजह से वहां भी अटक गया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार कई बदलावों के साथ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई, सेंट्रल जीएसटी बिल, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, जीएसटी राज्यों को कंपनसेशन बिल और यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल। तब जाकर 1 जुलाई 2017 की आधी रात से नई व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई। इस फैसले से अच्छा ये हुआ कि अब पूरे देश में हर सामान पर एक साथ टैक्स लगता है, जिससे धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। लेकिन जो गलत हुआ वो ये कि राज्यों के विरोध की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों और आबकारी को जीएसटी से बाहर रखा गया। राज्य अभी पेट्रोल डीजल पर अलग अलग टैक्स वसूल रहे हैं, इससे किसी राज्य में पेट्रोल 80 रुपए लीटर है तो किसी राज्य में 100 को पार कर गया है। 19 सितंबर 2018 फैसला 3 तलाक। मोदी सरकार के तमाम फैसलों में ये फैसला बेहद अहम है, क्योंकि ये सीधे एक समुदाय से जुड़ा हुआ है। सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं से 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैर कानूनी बनाया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा तय हुई। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते, मुआवजे की व्यवस्था की गई। ये सारा किस्सा सायरा बानो से शुरू हुआ। अपने शोहर द्वारा 3 तलाक दिए जाने पर सायरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 तलाक के लिए भी कानून बनाने को कहा। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक कानून बना और इसे 2019 सितंबर 2018 से लागू माना गया। इस फैसले से अच्छा ये हुआ कि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करता है तो उसे 3 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। 3 तलाक के केस घटकर 5% से 10% रह गए। लेकिन जो गलत हुआ वो ये कि कानून में प्रावधान है कि विवाहित महिला को खुद शिकायत करनी होगी। कई मामले सामने आए हैं जो अनपढ़ महिलाएं पति या ससुराल के दबाव में शिकायत नहीं कर पा रही। 5 अगस्त 2019 फैसला 370 हटा। ये सरकार का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि ऐतिहासिक था, क्योंकि इस तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया या ये कहें कि इस मुद्दे पर खूब राजनीति की। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक संकल्प से जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटा दी। राज्य को मिले विशेष अधिकार खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरीश सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। राज्य का अपना अलग संविधान बना। बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था। कश्मीर में सिर्फ कश्मीर ही जमीन खरीद सकते थे। कई बार ये मसला अदालतों में भी गया, पर गतिरोध बना रहा। मोदी सरकार के फैसले के बाद बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब वहां केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। इस फैसले से जम्मू कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुए। जो गलत हुआ वो ये कि राज्य में राजनीतिक पार्टियों ने यह फैसला स्वीकार नहीं किया। नेताओं को नजरबंद रखा गया। इंटरनेट समेत संचार सुविधाओं को सस्पेंड करना पड़ा। पर्यटन पर असर पड़ा। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 10 जनवरी 2020 फैसला CAA लागू। इस फैसले ने आम जनता को काफी मुश्किलों में डाला। देश के कोने कोने में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कईयों की जान गई, और 2020 के दिल्ली के दंगे भी इसी समय पर हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देता है। पहले भारत में 11 साल रहना होता था, लेकिन इस बिल के बाद ये 6 साल कर दी गई। आप सभी को जानकारी होगी कि ये बिल जनवरी 2019 में लोकसभा से पारित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के साथ ही ये बिल भी रद्द हो गया। 10 सितंबर 2019 को ये बिल लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के बाद 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। इस फैसले से कई सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान हुई। हालांकि सरकार नियम बनाने में नाकाम रही। सांसदों की एक कमेटी को 9 जुलाई 2021 तक इसे फाइल करना है। जो गलत हुआ वो ये कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं कहते हैं कि इसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बना गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। आखिरी फैसला या ये कहें कि 7वां फैसला 1 अप्रैल 2020 फैसला बैंकों का विलय। बैंकों को बढ़ते एनपीए से राहत मिलने और उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया होने की बात कही गई। इसमें 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंकों कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान किया गया। इसके साथ IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को भी सरकार ने मंजूरी दी। इससे अच्छा ये हुआ कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल रही है। बैंकों का खर्चा कम हुआ है। बैंकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। डूबते लोन को काबू करने में भी मदद मिली। लेकिन जो गलत हुआ वो ये कि लागत कम करने के लिए लोअर लेवल के कई कर्मचारियों को VRS दिलाया गया। तो ये थे मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। और अभी तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 3रा साल शुरू होने जा रहा है। देखना होगा आगे कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले
सरकार लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।